ऐसे धोखेबाज, मैं तो बार बार, मेरे तो दिल दुखी होता है, मैं कहती हूँ ये महिला कहलाने लायक नहीं है, जो बेटियों के दर्द को देखकर, महिलाओं के दर्द को देखकर चुप्पी साध लेती हैं। और नाम इनका है महिला बाल कल्याण मंत्री, मैं तो कहती हूँ इनको तो कचरा मंत्री बनना चाहिए। देखती हूँ कि जब जब देश में कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, तब ये 56 इंच का सीना 6 इंच का भी नहीं रह जाता, तब ये चुप्पी साध लेते हैं। इनके मुँह पर ताला लग गया, लेकिन ये कायर है। ये हमारे 6 इंच का 3 इंच का प्रधानमंत्री है। महिला को मणिपुर में नंगा घुमा दिया जाता है और मोदी जी मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। हमास का अटैक होता है और मोदी जी का मुंह खुल जाता है। मीडिया भी नाचने वहां पर भरतनाट्यम करने इजराइल पहुंच जाता है। यहां की जो दर्द है वो मोदी को दिखाई नहीं देता है। किसके लिए कर रहे हैं, क्या किया है मोदी जी ने, मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं। ये कौन से विश्व गुरु होने का दम भर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म से सर झुक जाना चाहिए। स्मृति ईरानी ने सिवाय अपनी बेटी के किसी और की भूख का हिसाब मांगा है कि जब उसकी खुद की बेटी पर कोई सवाल आया तो वो तिलमिला उठती हैं, लेकिन जब देश के बच्चों की भुखमरी का रिकॉर्ड आता है तो वो उसको नकारती हैं। महंगाई की बात आती है तो सीतारमण कहती हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती, उसी तरह से वो कहती है स्मृति ईरानी, टमाटर, हाँ वो स्मृति ईरानी कहती है कि मुझे तो बच्चे भूखे दिखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो चर्बी चढ़ी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है। क्या कहेंगी, क्या क्या कुछ मांगे हैं किसानों की जिनको लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, किसान जिस तरीके से पुरुष किसान है, महिलाएं भी बराबर की किसान है, बल्कि उनसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पुरुष किसान खेतों में काम करता है, है ना, अपना उत्पादन करके मंडी में पहुंचाता है, लेकिन महिलाएं खेती में काम भी करती हैं, किसान पुरुष किसान की हेल्प भी करती हैं और घर भी चलाती हैं। जो तंगी भुगतनी पड़ती है वो महिलाओं को ही भुगतनी पड़ती है। तो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा असरदार है और ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दर्द लेकर आती हैं, इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते, इनके बच्चों को दाखिले नहीं मिलते, इनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, दिन रात मेहनत करने के बाद भी इनके घर नहीं। सारी मेहनत आप लोग करते हैं और मोदी जी सारा कुछ समझते हैं, इसीलिए तो महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमा दिया जाता है, महिलाओं को हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, महिलाओं को, पहलवान बेटियों को सड़क पर घसीट दिया जाता है और मोदी जी मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। हमास का अटैक होता है और मोदी जी का मुंह खुल जाता है। और वो जो तथाकथित मीडिया भी नाचने वहां पर भरतनाट्यम करने इजराइल पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ की जो दर्द है, मणिपुर का, महिलाओं का जो दर्द है, किसानों का जो दर्द है, मजदूरों का, युवा छात्र नौजवान का जो दर्द है, वो मोदी को दिखाई नहीं देता है। और ये संघर्ष हमारा इसी बात को लेकर है कि ये जो जुमले छोड़े जाते हैं, इनसे मजदूर किसान भ्रमित होने वाला नहीं है, हम उनकी असलियत जानते हैं। क्या कहेंगी, मोदी जी काम नहीं कर रहे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए तमाम काम कर रहे, कसीदे पढ़ रहे रोज। देखिए, काम कर रहे होते तो उसका एक प्रमाण है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत मोदी जी ने कहा था कि 100% किसानों को हम फसल बीमा योजना के अंतर्गत ले आएंगे। और आप ये देखिए कि 20% किसान आज फसल बीमा योजना के अंतर्गत हैं। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ फसल बीमा योजना की क्या हालत है आप देख सकते हैं। किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ये एक उन्होंने जुमला दिया था, ये एक उन्होंने बात बोली थी अपना चुनावी भाषण में, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होने की बजाय कहाँ पहुँच गई है, ये आप इन किसान भाइयों से पूछिए जो यहाँ पर आज पे खाते में आते हैं कि नहीं किसानों को। देखिए, जो 2000 रुपये आते हैं उसकी सच्चाई भी मैं कहती हूँ कि वो क्या सच्चाई है, कितना वो बोलते हैं और उसमें कितनी सच्चाई है, कितना प्रतिशत जा रहा है, कितने प्रतिशत किसानों के पास जा रहा है, इसकी सच्चाई भी हमें सरकारी आंकड़ों से ही मिल जाएगी। तो मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं, क्या किया है मोदी जी ने? अगर इसका जवाब चाहिए तो इसका जवाब शून्य में है। किसानों के लिए कहा जा रहा है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 14 ऐसी फसलें हैं, पहला ऐसा जो प्रदेश है जिसमें MSP पर खरीदे जा रहे हैं अनाज, वहां पे 14 फसलें MSP के दाम से लिए जा रहे हैं। बहन, हम हरियाणा से ही हैं और हरियाणा के किसान भी उसी तरह से
उसी तरह से परेशानियों में है जिस तरह से देश के और हिस्सों के किसान। ये बात अलग है कि ये मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ पर थोड़ी सी हरित क्रांति का असर है कि यहाँ पर उपकरण और दूसरी दूसरी चीजें किसानों की मेहनत से उन्होंने खड़ी करी है, उपलब्ध हुए हो रही हैं। सरकार की भूमिका नहीं है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि सरकार की भूमिका इतनी है कि जब फसल सिलोज तो हरियाणा में ही बन रहे हैं, ये जो रेलवे लाइन है और इनके नाम पर जो नाटक हो रहे हैं, हरियाणा की जमीने एक्वायर करके ये जिससे कि सिलोज में सीधे खेतों का प्रोडक्ट पहुँचाने की व्यवस्था बनाई जा सके, ये तो हरियाणा में ही किया जा रहा है। जो हरियाणा के किसान है उनको तो और बुरी तरह ठगा जा रहा है, वो मेहनती हैं, उनकी जमीन उपजाऊ है, उनको जो MSP का मोल मिल रहा है उसमें भी धोखा है। ये हमें पता है कि जब 15 दिन किसान वहाँ पर फसल लिए पड़ा रहता है, जब वो आधी फसल बेच देता है तो लिमिट लगा रखी है कि केवल इतने क्विंटल अनाज तुम्हारा MSP पर बिकेगा, बाकी तुम अपना कहीं पर भी बेचो। ये क्या कुछ है, हरियाणा में सरकार दावे कर रही है कि MSP पर फसल लिए जा रहे हैं, सरकार MSP दे रही है किसानों को। 14 की बात तो पता नहीं वो कहाँ से ले आए हैं और कब मिलता था ये हमें नहीं। पहला ऐसा प्रदेश है हरियाणा, ये बिल्कुल झूठ है। पूरे हरियाणा और पंजाब में सिर्फ 3 जो फसलें हैं उन पर ही MSP जो है वो प्रदान की जाती है। लेकिन ये असल में क्या है ना कि आज आप देख रहे हैं कि ये जो सरकार है ये किसानों से नहीं चल रही है, ये इस देश के बेरोजगार युवाओं से नहीं चल रही है, ये इस देश के महिलाओं से नहीं चल रही है, ये सरकार चल रही है तो सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों की वजह से। जो भी इन्होंने अभी तक करोड़ों रुपया जो देश की जनता के खून पसीने की कमाई जो लगाई है अपने चुनावों में, वो किस लिए? कि इस देश के जनता के लिए नहीं बल्कि इस देश के पूंजीपतियों के लिए ही सारी की सारी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो ये जो सवाल है कि MSP दी जा रही है, कि जो फसलों के जो जायज जो दाम हैं वो दिए जा रहे हैं, किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लिया जा रहा है, ये बेमानी बातें हैं। अगर ऐसा पतियों से क्या दिक्कत हो गया है, लिस्ट जारी होती है कि अमीर लोगों की लिस्ट जारी होती है, उसमें हमारे देश के लोग अडानी अंबानी आ जाते हैं, तो लोगों के नाम होते हैं, भारत का नाम होता है कि हाँ भारत में इतने अमीर अमीर लोग हैं, कंपटीशन रहता है कितनी अमीरी पे कौन पहुंच गया, लिस्ट जारी होती है। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही महान लेखक हुए हैं हमारे देश के, हिंदी लेखक, जिनकी कुछ कविताओं को इस सरकार ने डर के हटा दिया है। उन्होंने एक कविता लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर शरीर का पूरा खून चेहरे पर आ जाए और चेहरा लाल हो जाए तो उसे स्वस्थ के निशाने नहीं कहा जा सकता। अगर हिंदुस्तान के 1, 2 या 3 लोग पूरे विश्व में कुछ पदों पर आ जाते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये इतने अमीर है कि पूरे विश्व में एक या दो या तीन नंबर पर आ गए हैं, इससे पूरे देश की आर्थिक हालत जो है वो सुधर नहीं सकती है। आज हालत आप देख रहे हैं कि भूख का इंडेक्स कितना नीचे जा चुका है, भुखमरी का शिकार होने वाला है पूरा देश, करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या किया मोदी जी ने उसको? और ऐसे जब रिपोर्टें आती हैं जिनसे इनकी शर्म से सर झुक जाना चाहिए, ये विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं, लेकिन वही जनता जो है वो सड़कों पर है। किसान जो पूरे देश का पेट भरते हैं, जिनकी वजह से आज ये मोदी सरकार जो है इनको झुकना पड़ा, जिनकी वजह से व्यापार कर रहे हैं ये लोग, लेकिन वही किसान आज सड़कों पर हैं, ये कौन से विश्व गुरु होने का दम भर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। जो कहिए आप एक चीज बताइए, जो रिपोर्ट आई है हंगर रिपोर्ट, उस पर हमारी महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कहती हैं कि हमने फोन करके पूछा, कोई भूखा नहीं है, सब रिपोर्ट गलत है, कोई भूखा नहीं सो रहा। क्या मतलब, वो क्या कहें, आप लोग गलत रिपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं? स्मृति ईरानी ने सिवाय अपनी बेटी के किसी और की भूख का हिसाब मांगा है क्या? वो आकर यहाँ पर उत्तम नगर या इधर संगम विहार या इस एरिया में सड़कों पर फुटपाथों पर पड़े हुए बच्चों को भूखा देख सकती हैं? देखे ना, आके यहाँ देख लीजिए ना, थोड़ी दूर बाहर निकल के उनको मैं दिखा देती हूँ कितने बच्चे भूखे हैं, कितने बच्चे भीख उस पर रेड लाइट पर हाथ पसारे खड़े हैं, वो भूखे नहीं है क्या? वो क्या 111 वे नंबर पर जो देश पहुँचा है उनके कारण नहीं पहुँचा है? बल्कि मैडम वो बाल विकास मंत्रालय संभाल रही है, वो गलत बोलेंगी? वो इसी तरह का विकास उन्होंने किया है कि जब उसकी खुद की बेटी पर कोई सवाल आया तो वो तिलमिला उठती हैं, लेकिन जब देश के बच्चों की भुखमरी का रिकॉर्ड आता है तो वो उसको नकारती हैं।
महंगाई की बात आती है तो सीतारमण कहती है कि मैं तो प्याज नहीं खाती, उसी तरह से वो कहती है स्मृति ईरानी, टमाटर, हाँ वो स्मृति ईरानी कहती है कि मुझे तो बच्चे भूखे दिखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो चर्बी चढ़ी है, उसके ऊपर तो जो वो जो उसकी बेटी गोवा का जो रेस्टोरेंट चला रही है उसके यहाँ तो वहाँ बना हुआ खाना आता है, है? वो तो अपना गुलछर्रे उड़ाती हैं, उन्हें भूख कहाँ दिखेगी? भूख तो आप जैसे हम जैसे लोगों को दिखेगी ना, जो पसीना बहाते हुए जनता के बीच में उनकी आवाज सुनते हैं, उनको हम तो देखते हैं। कहाँ कहाँ से कुछ भी गलत सलत रिपोर्ट उठा के आप लोग बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। गलत वो खुद हैं, क्योंकि उन्हें वो अपने दिन याद करने चाहिए ना, जब वो जाकर रेस्टोरेंट में क्यों बर्तन उठाती थी, उनको याद नहीं है वो टाइम अपना, है? तब वो क्यों बर्तन उठाती थी और आज क्यों वो जाकर सत्ता के उस पर बैठी हुई है, कैसे पहुंची है वहां तक? क्या इस तरह की बकवास कर कर गई उसको सीढ़ी मिली है? क्या वो जनता के बीच में जाकर कभी कोई आंदोलन सिवाय हथनी मरने पे आंदोलन करती हैं? बेटियां जब नंगी घुमाई जाती हैं तब वो शब्द भी नहीं आते उनके मुंह में, जब हाथरस की बेटी को मारा जाता है, जब कैंट में बेटी को शमशान घाट में मार दिया जाता है तब उसके मुंह में शब्द नहीं होते? ऐसे धोखेबाज, मैं तो बार बार, मेरे तो दिल दुखी होता है, मैं कहती हूँ ये महिला कहलाने लायक नहीं है, जो बेटियों के दर्द को देखकर, महिलाओं के दर्द को देखकर चुप्पी साध लेती हैं। और नाम इनका है महिला बाल कल्याण मंत्री, मैं तो कहती हूँ इनको तो कचरा मंत्री बनना चाहिए, ये तो कचरा बनने लायक। कहती हैं कि प्रधानमंत्री तमाम काम कर रहे हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और आप जैसे चंद लोग जो है जनता को गुमराह कर देते हैं, लोगों को भड़का देते हैं, गलत सलत पट्टी पढ़ा देते हैं। देखिए वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है इसका हिसाब हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो वही महिला रह गई क्या एक बातचीत करने के लिए हमारे पास, जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश में सावित्री बाई फूले जैसी महिलाएं हुई हैं, फातिमा जैसी महिलाएं हुई हैं, प्रीतिलता वादेदार जैसी महिलाएं हुई हैं, जिन्होंने इस देश के दबे कुचली महिलाओं को रोशनी दिखाई, शिक्षा का रास्ता दिखाया, तो हम उनकी बात क्यों नहीं करते? हम स्मृति ईरानी हमारी आदर्श नहीं है, वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, वो एक व्यक्तिवादी सोच रखती हैं, हमारी सोच एक सामाजिक सोच है, हम उन महिलाओं को आदर्श मानते हैं जो महिलाएं समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। तो आज ज़रूरत ये है कि इस देश की तमाम महिलाओं को जो हाशिए पर हैं, इस देश के तमाम लोग जो माइनॉरिटीज़ में हैं, इस देश के तमाम लोग जो कि आज भी जातीय हिंसा के शिकार हैं, जिनको आज भी जाति के आधार पर जिनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, हम उनकी हालत क्यों नहीं देखते हैं? वो क्या कहती है क्या नहीं, ये वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए चिंता का विषय है इस देश की जनता की हालत, इस देश की जनता की भूखमरी, इस देश के नौजवान जो आज बेरोजगार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, वो है हमारी चिंता का विषय। जाति को बढ़ावा दे दिया नीतीश कुमार ने, जातीय जनगणना करा के पाप कर दिया है उन्होंने। देखिए हमारे देश में तो पहले से ही जो है जनगणना चली आ रही थी, तो अगर किसी एक विशेष समुदाय की, विशेष जाति की हालत को देखने के लिए कि उनकी क्या हालत है, उनका उसमें क्या सुधार लाना चाहिए, तो क्या दिक्कत है इसमें? सुधार लाइए, जहाँ जहाँ पर भी गड्ढा जहाँ पर भी है उसको तो भरना चाहिए ना। सरकार का क्या काम है? क्या सरकार ये जो बुलडोजर लेकर जो ये लोग चल रहे हैं, ये तो विध्वंस का प्रतीक है ना ये सरकार। लेकिन सरकार को क्या होना चाहिए? सरकार को निर्माण करना चाहिए। तो अगर कहीं गड्ढा दिख रहा है, अगर कहीं है कि इस विकास कर तो रही है सरकार, लगातार विकास काम में है, 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं, 10वां साल आ रहा है, 3री बार लोकसभा में जीत के आने के, 400 के पार जाने के वादे हैं, तो डर किस बात का है? सरकार डर क्यों रही है? वो कहाँ डर रहे हैं, 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री क्यों डरेगा? सरकार डर रही है सारे जो विपक्ष के, मैडम हंस रही है, विपक्ष के जो नेता हैं उनके फोन कॉल्स को जो है वो रिकॉर्ड करने तक की नौबत आ गई है। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक ऐसा डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। जो पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे डाले जा रहे हैं। अगर इतने बेमिसाल सरकार है उसको तो सरकार अगर आतंकवादी को बढ़ावा देगा, उग्रवाद को बढ़ावा देगा, तो शिकंजा तो कसना पड़ेगा सरकार को। क्या प्रूफ है? किस प्रूफ के आधार पर? जांच चल रही है, मिल जाएगा प्रूफ, सब्र रखिए तब तक। हाँ तो जांच तो उमर खालिद के केस की भी चल रही है, 3 साल हो गए, क्या जांच हुई? जितने भी CA NRC के जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी जांच चल रही है। भीमा कोरेगांव जो कांड हुआ था
उनकी भी जांच अभी तक चल रही है। कितने सारे लोग जेलों में बंद पड़े हैं, उनका क्या हो रहा है। सेंट स्टेन स्वामी जैसे लोग जो हैं वो मर जाते हैं, तो क्या जांच चलती है। इतनी सारी पोल पट्टी खोल रही हैं, डर नहीं लग रहा है आपके घर भी सीबीआई ईडी आ सकता है। देखिए, सच्चाई बोलने में डर अगर लगेगा तो मैं कहती हूँ कि ये हिंदुस्तान की विरासत के ही हम खिलाफ काम करेंगे। आप बहुत देर से मैं सुन रही हूँ आप हंसी जा रही हैं, 56 इंच के सीने पे हंसा आपने, डर पे हंसा, क्या आप हंसी का क्या, हंसने के रीज़न क्या है। देखिए, 56 इंच के सीने को मैं देखती हूँ कि जब जब देश में कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, तब ये 56 इंच का सीना 6 इंच का भी नहीं रह जाता, तब ये चुप्पी साध लेते हैं। महिला पहलवान इतने दिन बैठी रही, इनका सीना 6 इंच का हो गया। इतने दिन तक किसान आंदोलन करते रहे, 700-750 किसान मतलब मर गए, इनका सीना 6 इंच का रह गया। और अभी मणिपुर की घटना को देखकर इनके मुंह पर ताला लग गया। 56 इंच का सीना वो होता है अन्याय अत्याचार जहां पर भी हो रहा है, पूरे ताकत के साथ उसके विरुद्ध आवाज उठाए और कार्रवाई करे। लेकिन ये कायर हैं, ये हमारे 6 इंच का 3 इंच का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को कायर कह रही है। हाँ बिल्कुल, कायर नहीं होते तो ये क्या इन महिलाओं की जो दुर्दशा हुई है, जो पहलवानों की दुर्दशा हुई है। अरे उसको बिठा रखा है अपनी काक के नीचे, उसको वो जो क्या था ब्रजभूषण शरण है, और बेटियों को यहीं घसीटा गया है, है? उधर वहां पर मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है और इसके मुंह में दही जम गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कहते हुए भी हमें शर्म आती है। कोई विश्व में क्या बोलता होगा, हैं? कोई में डंका बजता है। हाँ, कोई कोई देश में जरा सी कोई महिलाओं के साथ बात होती है, तुरंत एक्शन होता है। यहाँ पर महिलाओं को, दलितों को और बेचारे अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर घुमा दिए, चला दिए जाते हैं, हैं? जब बिना किसी अपराध के उनको सालों साल जेलों में डाल दिया जाता है और अपराधियों को संसद में बिठाकर उनके साथ सत्ता के सौदे किए जाते हैं, हैं? इसीलिए मुझे हंसी आती है 56 इंच के सीने पे। इसीलिए मुझे हंसी आती है जब हम ये कहते हैं कि ये बहुत जनता की भलाई करने वाली सरकार है, तो ये एक शर्मिंदगी की बात है, हंसी की बात है। इनके किसी भी दावे में कोई सच्चाई नहीं है। ये अगर कल्याण कर रहे हैं तो अडानी अंबानी गोयंगा सिंघानिया बजाज मित्तल का कर रहे हैं, जो सारी संपदा को कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं, जिसके बदले में इलेक्शन के लिए बेशुमार चंदा इनकी तिजोरियों में आ रहा है। महिलाओं में पूरे देश में कहां से आ गए इनके पास इतना पैसा। हर डिस्ट्रिक्ट में 5-स्टार ऑपरेशन, 5-स्टार होटल बन गए इनके कार्यालय, 5-स्टार होटल बन गए बीजेपी के कार्यालय। कहां से आ गया पैसा हमारे इस कार्यक्रम को करने के लिए। हम आरक्षण भी तो दे रहे हैं, महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं। आरक्षण क्यों दें, आरक्षण क्यों चाहिए हमें, आरक्षण किसके लिए आरक्षण चाहिए। संसद में बुला रहे हैं, कानून बनाइए, संसद जाइए कानून बनाइए। संसद में ये वैसी महिलाओं को लेके जाएंगे जैसे इनकी स्मृति ईरानी और वो क्या नाम है सीतारमण है, या और दूसरी जो महिलाएं जो इनके इशारे पे हाथ उठा देंगी, अब मुंह दिखाया तो नीचे हाथ कर लेंगी, जहां बोला मुंह पे ताला, जहां बोला। ऐसी महिलाएं संसद में चली भी जाएंगी तो क्या तीर मार लेंगी। हमें महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है, महिलाओं को तो बराबरी का हक चाहिए। आप जैसी सशक्त महिलाओं को बुला रहे हैं, वो डर रहे हैं हमारे जैसी सशक्त महिलाओं से। उनको भय है कि हमारे जैसी महिलाएं आगे ना आ जाएं, इसीलिए ये चुनाव में धांधली। ये किसी भी महिला को, दलित को, आदिवासी को है, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको ये आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। ये मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी सोच की पूंजीवादी सरकार है, जिसको केवल एक कुलीन तंत्र के माध्यम से सत्ता में बने रहना है और दूसरे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने हैं, महिलाओं को नंगा घुमाना है, बेटियों को सड़क पर घसीटना है, और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो महिलाओं ने जो है मिलकर इनकी पोल पट्टी खोल दी है सरकार की, और सारे जो भी कारनामे चल रहे हैं उनके कच्चे चिट्ठे उधेड़ दिए हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।